विश्व विख्यात ज्वालामुखी मंदिर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद 11 जुलाई से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर पुजारी वर्ग व विद्यान पंडित विश्व कल्याण और विश्व शांति व वैश्विक महामारी के नाश के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में पूजा व पाठ लगातार 9 दिन तक करेंगे। आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगी। 17 जुलाई को माता ज्वाला का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। गुप्त नवरात्रों के दौरान विश्व शांति व विश्व कल्याण के लिए माँ ज्वाला के मूल मंत्र बटुक भैरव गणपति गायत्री शतचंडी व अन्य जप व पाठ किए जाएंगे। मंदिर न्यास व पुजारी महासभा द्वारा प्राचीन परंपराओं को बरकरार रखा गया है। मंदिर आयुक्त व SDM मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि परंपरा के अनुसार 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रों में पुजारी वर्ग व विद्वान पंडितों द्वारा पूजा जप व पाठ विश्व कल्याण व वैश्विक महामारी के नाश के लिए किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए पुजारी वर्ग जप पाठ व अनुष्ठान करेंगे। प्रधान पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए रविवार को शुरू हो रही हैं और विश्व कल्याण हेतु सभी पुजारी वर्ग लाखों की संख्या में जप पाठ करेंगे। इन नवरात्रों में जप पाठ का फल सहस्त्र गुना मिलता है और यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि माता ज्वाला इसी महागुप्त नवरात्रि में अष्टमी को धरती पर अवतरित हुई थी। इस वर्ष 17 जुलाई को माता ज्वाला का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है वो गुप्त नवरात्र जो है वो मनाए जा रहे हैं। 11 तारीख से जो है माता की जो है वो पूजा अर्चना और जो कन्या पूजन होगा उसके साथ ही जो है पाठी जो है वो 11 तारीख से बैठ जाएंगे और 18 तारीख को जो है ये गुप्त नवरात्र हमारे संपन्न होंगे। इससे पूर्व जो है वो 17 तारीख को माता सैया वाली जो है उनका प्रकटो दिवस जो है उसको भी हर वर्ष की भांति जो है वो भली भांति और सुचारू रूप से मनाए कि अब ये जो 11 जुलाई से महामाई ज्वाला जी के मंदिर में गुप्त नवरात्रों का आयोजन शुरू होने जा रहा है और ये हमारे साल का दूसरा विशेष पर्व होता है, क्योंकि आम जो नवरात्रि होते हैं चैत्र मास और अश्विन मास में उसमें रस होने की वजह से हमारा जो माता जी के प्रति निमित्त जप और पूजन वो नहीं हो पाता है जो इस अवधि में हम करते हैं, माघ मास में करते हैं और ये आषाढ़ मास में, और ये आषाढ़ मास माता जी के जन्म के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है जो कि अब की बार 17 जुलाई द्वारा है, जिसमें माता जी का जन्मदिन बड़ा ही भव्य तरीके से और तंत्रोक्त पूजन के साथ महामाई के इसमें सचंडी का पाठ होता है। इसमें 101 ब्राह्मण जो है दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हैं। ज्वाला जी के मूल मंत्र बटुक गणपति गायत्री का 125,000 जप के बाद मंदिर में होम होता है और महामाई से प्रार्थना करते हैं कि महामाई सबका कल्याण करे और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और ये जो गुप्त नवरात्रों का पर्व है इसमें किए हुआ जप तप यज्ञ दान सहस्त्र गुणा फल देता है। जैसे गुप्त कहा गया है तो गुप्त का मतलब यह है कि आपने जो भी काम करेंगे उसमें महामाई लक्ष कोटि गुणा इसमें आपको फल प्रदान करती है। ओम जयंती माला गाली भद्रकाली गर्वाणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुदा नमस्ते। आज के लिए मंत्र जरूर करना चाहिए क्योंकि महामारी का समय चला हुआ है, तो इस मंत्र के जप करने से इस महामारी का शमन हो, ऐसा ही महामारी से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माता बोला। और भक्तों से यही निवेदन है कि वो ज्वालामुखी में आए, सारी व्यवस्थाएं यथारूप चल रही हैं लंगर और हवन को छोड़कर, और यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, अतः मैं यात्रियों से यही प्रार्थना करूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी COVID-19 की जो भी SOP है उसका पालन करें, मास्क लगाकर आएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और इस व्यवस्था को बनाकर महामाई के दर्शन करें और महामाई के दर्शनों का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। जय माता दी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से रीना शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।